फिर पूछ रहा है कि ये फ्रेश बेसाल्ट हैज ए 12 वेट परसेंटेज ऑफ एफ ई ओ टोटल, एफ ई ओ टोटल कैलकुलेट इट्स एफ ई टू ओ 3%। अब देखो यहाँ पे हमने जब डिस्कस किया था कि हम क्या बोल रहे हैं कि आयरन को या तो टोटल अपन आयरन एफ ई ओ में रिप्रेजेंट करें या टोटल एफ ई टू ओ 3 में रिप्रेजेंट करें, ठीक है, या फिर था कि आपके पास में टोटल एफ ई ओ है, एफ ई टू ओ 3 है और इसको अपन टोटल एफ ई ओ में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। अब आपके पास में टोटल एफ ई ओ दिया हुआ है, एफ ई ओ टोटल दिया हुआ है और आपसे पूछा हुआ क्या है, एफ ई टू ओ 3 पूछा हुआ है परसेंटेज के अंदर, एफ ई ओ टोटल का परसेंटेज आपको दिया हुआ है। अब मैंने आपको बोला था कि सिंपली आप क्या करते हैं, एफ ई ओ प्लस एफ ई टू ओ 3 को ऐड करके टोटल एफ ई ओ आयरन नहीं निकाल सकते हो। क्यों नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन जो है और इसकी कंसंट्रेशन जो है वो अलग अलग आती है, दोनों के लिए इक्विवेलेंट वेट जो है वो अलग अलग है, जब अलग अलग है तो दोनों को ऐड करके सिंपली एफ ई ओ नहीं ला सकते या फिर सिंपली एफ ई टू ओ 3 नहीं ला सकते। तो अब जब आपके पास में ऐसी सिचुएशन हो जब आपको टोटल एफ ई ओ आयरन दिया हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एफ ई ओ ओवर एफ ई ओ टोटल का जो एक रेशियो लेंगे वो कितना लेंगे, 0.85। ये आपको बताया हुआ है कि आपको 0.85 लेके चलना है। जब आप 0.85 लेके चलेंगे तो सिंपली क्या करेंगे, एफ ई ओ की कंसंट्रेशन आप ले आएंगे और एफ ई ओ की कंसंट्रेशन जब ले आएंगे तो एफ ई ओ को एफ ई टू ओ 3 में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। क्यों, कन्वर्जन फैक्टर कहाँ मिलेंगे, 1.113 को यूज़ ले लेंगे कन्वर्जन फैक्टर, आपको पढ़ा हुआ है ये। अब यहाँ पर आप देखो इस चीज़ को कि जब आपको एफ ई ओ निकालना है, मतलब निकालना तो आपको एफ ई टू ओ 3 है ना वेट परसेंटेज में, और आपको टोटल दिया हुआ है एफ ई ओ, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस एफ ई ओ टोटल से आप एफ ई ओ निकालेंगे, एफ ई ओ निकालने के बाद में जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1.113 से, तब जा करके आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो यहाँ से आप देख लो एफ ई ओ अपॉन एफ ई ओ टोटल जो है वो, एफ ई ओ टोटल आपको कितना दिया हुआ है देख लो क्वेश्चन के अंदर, कितना दिया हुआ भाई, आपको दिया हुआ है 12 वेट परसेंट, तो आप क्या करेंगे, एफ ई ओ सॉरी एफ ई ओ अपॉन 12 इक्वल्स टू 0.85, इसको मल्टीप्लाई कर दो, मोबाइल कहाँ है मेरा, 12 5 60, 12 98, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 0.85 × 12 ये आ गया 10.2, ठीक है। तो ये आपका टोटल 12 वेट परसेंटेज दिया हुआ था, उसमें से आपका कितना आ गया, आयरन आ गया, एफ ई ओ आ गया, विच मीन्स कि जो रिमेनिंग रहेगा वो आपका क्या है, एफ ई टू ओ 3 है, ठीक है। अब जो रिमेनिंग एफ ई टू ओ 3 आप निकालेंगे एफ ई ओ 3 से, एफ ई ओ से, तो आपका 12 में से 10.2 घटा दो, 12 − 10.2 कितना आएगा, 1.8 आएगा, और 1.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कन्वर्जन फैक्टर से, 1.113, तो ये आप जब कन्वर्जन करेंगे तो कितना आएगा, 1.8 × 1.113, तो ये करीब करीब आपका आंसर आएगा 2, ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, क्लियर है। तो इसका आंसर भी आप देख सकते हो आराम से, इसका आंसर जो है वो कहाँ होगा, यहाँ पे देख लो कितना नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर का आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है जी, 2 आंसर आ रहा है 2 नंबर क्वेश्चन का, क्लियर है। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चन को डील करना है, क्या करना है, बेसिकली आपको एफ ई ओ टोटल दिया हुआ था, एफ ई ओ टोटल से आपको निकालना है एफ ई टू ओ 3%। तो जब भी आपको ऐसा करना होता है सबसे पहले आप क्या करेंगे, एफ ई ओ परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। तो एफ ई ओ निकालने के लिए एक रीजनेबल अपन लेते हैं कि जो अनअल्टर्ड बेसाल्ट है उसके लिए ये जो रेशियो है वो 0.85 है, ठीक है। तो यहाँ से आपने पहले एफ ई ओ का परसेंटेज निकाल लिया, अब जो बचा होगा वो एफ ई टू ओ 3 का है, लेकिन आपको टोटल केस में दिया हुआ है एफ ई ओ टोटल आयरन दिया हुआ है, तो जो टोटल पीछे जो बच गया है वो आपका एफ ई टू ओ 3 होना चाहिए था, लेकिन वो कन्वर्ट किया हुआ है किसके अंदर, एफ ई ओ के अंदर, तो एफ ई ओ को वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा एफ ई टू ओ 3 के अंदर, एफ ई ओ को एफ ई टू ओ 3 के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आप कन्वर्जन फैक्टर काम में लेते हैं 1.113, और जो भी आपका 1.8 जो बचा उसको 1.113 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत इसमें मेरे ख्याल से आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको अपन देखने की कोशिश करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको क्या बोल रहा है कि देखिए इसके अंदर कि प्रिमिटिव एटमोसफियर वॉज डिवाइड ऑफ, तो प्रिमिटिव एटमोसफियर जो है उसके अंदर क्या नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था शायद, ठीक है। तो प्रिमिटिव, हमारी जो प्रिमिटिव एटमोसफियर था, ठीक है, जब अपन क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि प्रिमिटिव एटमोसफियर के अलग अलग स्टेजेस थी, ठीक है, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, इस तरह से। तो स्टेज वन में आपका हाइड्रोजन हीलियम था, लेकिन वो इतनी लाइटर गैसेस थी कि वो आपका एटमोसफियर में स्केप करके चलेगी, ठीक है। तो जो पीछे जो था वो धीरे धीरे एक्यूमुलेशन होता गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन क्यों बढ़ती चली गई, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन शुरू में क्यों नहीं थी, बाद में क्यों बढ़ती चली गई, इन सब चीज़ों के बारे में भी अपन बात करेंगे, ठीक है। और वाई वी आर गेटिंग द अप्रिशिएबल फ्लक्चुएशंस ऑफ CO2 एंड H2O इन एटमोसफियर, इसको भी अपन बात करेंगे, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी में।